कई बार क्या होता है कि HTML के अंदर हम एनिमेशन लगाना चाहते हैं, जैसे कई बार आप देखते होंगे एनिमेटेड बर्ड आ गई या ऐसा कुछ आ गया, तो ये HTML के अंदर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और अगर हो सकता है तो ये कैसे हो सकता है, ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो ये एनिमेशन कैसे लगाया जाए, किस प्रकार से लगाया जाए, वो आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टाइटल को क्लोज किया है, और टाइटल को क्लोज करने के बाद यहाँ पर अब हेड को क्लोज करने की बारी है, तो एंटर करके आते हैं। यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर देते हैं, तो ये हेड क्लोज हो गया। देन यहाँ पर जो है हेड को क्लोज करने के बाद एंटर करके नीचे आते हैं, और यहाँ पे बॉडी टैग लगा लेते हैं। तो ये बॉडी टैग हो गया। अब बॉडी टैग जैसे ही लगाते हैं तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे लगाना है इमेज SRC, IMG SRC, क्या लगाना है IMG, और यहाँ लगाना है SRC इज इक्वल टू, अब ये डब्ल्यूटेड कॉमा ओपन और क्लोज कर लेना है, और यहाँ पे आप .gif लिख लीजिएगा। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अब इसको आपको ऐसे बंद कर लेना है। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पे हाइट HEIGHT हाइट दे दीजिएगा, हाइट इज इक्वल टू 100 पिक्सल कर दिया, और यहाँ पे विथ कर देते हैं WIDTH, विथ इज इक्वल टू 150 पिक्सल कर दिया, ठीक है। तो अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके सिस्टम में चल जाएगा, तो आपके में नहीं चलेगा, क्योंकि अभी पता चलेगा आपको। वैसे करते रहिए, कोडिंग करिए, ठीक है। आप क्या करेंगे तो ये सिस्टम में आपके भी चल जाएगा, ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी बस ध्यान से देखिए इसको। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से एंटर करके नीचे आना है, ठीक है। वैसे आप अलाइन भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन चलिए इतना ही रखते हैं। और यहाँ पर आते हैं तो बॉडी को क्लोज करते हैं, देन HTML को क्लोज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमने कोई भी इमेज दिया ही नहीं है, क्योंकि इमेज यहाँ पर आता तब तो इमेज बनता, हमने तो खाली GIF फॉर्मेट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी को क्लोज करके एंटर करके आइए, और यहाँ पर लिख दीजिए HTML, ठीक है, क्योंकि HTML को भी क्लोज करना ही करना है। अब हमको चलना है उस फोल्डर में जहां पर हमने अपनी इमेज फाइल सेव कर रखी है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा एनिमेशन नाम का एक फोल्डर है, इसी के अंदर ये इमेज फाइल हमने सेव कर रखी है। जब भी आप इमेज को डाउनलोड करें तो ये ध्यान से समझ लीजिए कि आपका जो फॉर्मेट है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ फॉर्मेट, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे नहीं है, जैसे यहाँ पे .gif तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो CRD डाउनलोड दिया गया है, CRDO डाउनलोड करके ऐसे आ रहा है। तो आपका इमेज का फॉर्मेट GIF होना चाहिए, अगर GIF नहीं है तो ये नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए मैं इसी को अगर ले लेता हूँ, और इमेज का फॉर्मेट अगर हमारा GIF नहीं है, देखिए यहाँ पर नीचे एक्सटेंशन में आपको कहीं भी GIF नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ पर एनिमेटेड बर्ड दिया हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ये आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर एक और इमेज मैंने डाउनलोड करी है, जिसका नाम यहाँ पर ANY ANY रखा है मैंने, ANY.gif के नाम से। अब अगर इसकी प्रॉपर्टी में हम जाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी में आप देखेंगे, ये तो फोल्डर है हमारा, यहाँ पर आते हैं, ये हमारा ये इस तरीके से यहाँ से जाके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, तो देखिए ANY.gif यहाँ पर भी GIF दिख रहा है, तो यानी ये फोटो GIF है, तो एनिमेटेड यानी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट वाला फॉर्मेट ही होना चाहिए, एक्सटेंशन यही होना चाहिए इमेज का, तभी वो मूव करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तभी वो रियलिस्टिक पिक्चर लगेगा आपको, एकदम रियल पिक्चर लगेगा मूव करते हुए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर ये हमारा कोड है, तो ये अब मैं क्या करूंगा, ये जो लिखा है हमने इसको हटाऊंगा, यानी ये इमेज मैं हटाने वाला हूँ, और इसके जगह एक दूसरी इमेज लगाने वाला हूँ। तो इसको हटा दिया हमने, और इसको हटाने के बाद एक दूसरी इमेज लगाएंगे, वो कहाँ मिलेगा हमको, हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये इमेज है, ठीक है, एनी नाम से हमने सेव किया इसको, और यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके, और प्रॉपर्टीज पे जाके इसको जो है इस तरीके से कॉपी करिएगा। कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पर जो है नीचे आके, और इसके अंदर यानी सबलाइन के अंदर मैं आता हूँ, और कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल वी कर दिया, अब ये पेस्ट भी हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्क्यू का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ मार्क्यू, MARQUEE, ये लगा लिया मार्क्यू, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्यू को क्लोज कर लेंगे, तो MARQUEE, ये मार्क्यू क्लोज हो गया, कंट्रोल एस कर लिया। अब देखिए ये काफी शानदार एनिमेशन आपका बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, और देन इसको डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, और हमारे जो इसका नाम है वो तो एनी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये उल्टी दिशा से उड़ती हुई आ रही है। अब यहाँ पे देखिए मार्क्यू ठीक से क्लोज नहीं किया गया है, जिसके चलते ये ऐसा हो रहा है। मैं अभी इसको भी क्लोज कर देता हूँ, सब कुछ एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये मार्क्यू जो है एक्स्ट्रा आ गया था, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे मार्क्यू डायरेक्शन लगा देता हूँ, डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट कर देते हैं, RIGST राइट, ठीक है। तो
तो ये कर दिया हमने और कंट्रोल एस कर देते हैं। अब इसको दोबारा से चला लेते हैं, तो यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये जो बर्ड है इसकी उड़ने की, देखिए किस तरीके से उड़ रही है बर्ड, यहाँ पे देख सकते हैं ये। और अगर आप चाहते हैं कि और फास्ट उड़े तो आप इसके लिए कुछ चेंजेस करिए। क्या चेंजेस करेंगे, डायरेक्शन तो हमने दे ही दिया, यहाँ पे लिखेंगे स्क्रॉल AMOUNT, स्क्रॉल अमाउंट देना है हमें AMOUNT, तो ये AMOUNT कर दिया हमने। और यहाँ पे कर देते हैं 50, तो स्क्रॉल अमाउंट 50 रख दिया है। और अब कंट्रोल एस करते हैं और इसके साथ ही साथ हम इसको भी बढ़ाएंगे। ये साइज देखिए, साइज छोटी पड़ रही है, तो यहाँ पे साइज मैं 500 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 450, यानी विड्थ, ठीक है, यानी चौड़ाई, तो 450 चौड़ाई कर दिया है। बाकी सारी चीजें आप देख ही रहे हैं, कंट्रोल एस कर लीजिए, ठीक है। और अब इसको रिफ्रेश कर दीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं चिड़िया कितनी तेजी से उड़ते हुए जा रही है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट बढ़ाने के साथ ही आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट कम करने का भी फायदा है, अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 2, तो आप देखेंगे कि बहुत धीरे धीरे ये काम करेगा और कुछ इस तरीके से काम करेगा। देखिए ये कितना धीरे धीरे काम कर रहा है और ये लग रहा है कि रियल में कोई जो है चिड़िया उड़ते हुए आ रही है, इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।